जुलाई 2016 दोपहर समृद्धि जब घर पर अकेली थी, घर की नौकरानी की पूछताछ के बहाने एक अपराधी ने घर का दरवाजा खुलवाया और एक चाकू समृद्धि के गर्दन पर रख दिया। बिना घबराए खतरे का सामना करते हुए उसने चाकू को खुद से दूर करके अपराधी को गेट के बाहर धकेला। हाथापाई में समृद्धि के हाथ की नस कट गई। अपराधी अंततः पकड़ा गया। समृद्धि की मानसिक शक्ति ने उसे सक्षम बनाया। समृद्धि शर्मा। नवंबर 2016, एक महिला अपनी 3 वर्ष की बेटी के साथ एक नदी में गिरकर डूबने लगी। ये देखकर राजेश्वरी चनू ने 30 फुट गहरे पानी में छलांग लगा दी। दृढ़ निश्चय के साथ बच्ची और मां को पकड़कर किनारे की ओर धकेला और उन्हें बचा लिया।